एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, अंदर किसने आने दिया तुम्हें? मतलब अंदर किसने आने दिया, ये हमारी जगह है। हाँ तो क्या हो गया, यहाँ कैसे कोई भी आ जाएगा? और यार आप लोग ऐसे गाड़ी के आगे ये कैसे? आपको परमिशन किसने दी अंदर आने की हमारे यहाँ? यार मुझे किससे परमिशन लेने की जरूरत होगी? और तुम यार दूसरे की गाड़ी के आगे फोटो क्लिक कर रहे हो। आपको गाड़ी ने अंदर आने कैसे दिया? किस पर्पस से आए हो यहाँ पे? आपको पता भी है किसका फार्म हाउस है? नहीं मुझे नहीं पता। छोड़ो, हमें ना बहस नहीं करनी। हाँ, चलो बाहर जाओ, सेल्फी लेते हैं हम। फोटोज और वीडियो क्लिक करें, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए टाइम। बाहर जाओ या गार्ड को बुलाऊं? यार क्या रूड बिहेव कर रहे हो तुम लोग, समझ ही नहीं आ रही आपको बात मेरी। एक बार में आपकी औकात नहीं है यहाँ पे खड़े होने की, ठीक है, हमारे साथ बात करने की। तेरी कोई हैसियत भी है? यार इसमें हैसियत और उसकी बात कहाँ से आ गई? पहली बात तो ये कि यार तुम मेरी गाड़ियों के आगे फोटो क्लिक कर रही हो। हमारी गाड़ी है, आप फोटो क्यों लो? इतनी महंगी महंगी गाड़ियों पे आप हाथ लगा सकते हो? यार तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये गाड़ियाँ मेरी हैं। ये गाड़ी हमारी है। और अगर तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर लेती खींचने के लिए तो मैं एक बार बोल भी देता। आपसे अच्छा ना हमारे घर में सर्वेंट है, ठीक है। और वैसे एक बात बोलूं, पहले तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। एक तो यार तुम मेरी गाड़ियों के आगे खड़ी हो, ऊपर से मेरे कोई उल्टा सीधा बोल रही हो। यार तुम मेरे से वैसे ही बोल देती कि मुझे दो सेल्फी लेनी है, और वैसे भी मैंने बहुत देखी हैं लड़कियां किसी दूसरे गाड़ी के आगे जाएंगी, यूं करके क्लिक करेंगी #InstaGoodVibes सब कुछ लिख देती हैं, ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो यार इतना ही शौक है ना, तो यार मुझे वैसे ही बता देते। और गार्ड से मैं नहीं पूछूंगा, गार्ड से तुम्हें पूछना है। बोलिए, आपने आपको जितना बोलना था। नहीं तो फिलहाल तो बहुत बोल लिया आपने, आप पहले यहाँ से हटिए। हमारी गाड़ी बेकार हो रही है। तुम्हारी गाड़ी? यस, हमारी गाड़ी। आपके औकात भी है इस गाड़ी पे हाथ वाथ रखने की? अच्छा, और तुम्हारी औकात है इस गाड़ी पे अपनी सेल्फी क्लिक करने की? हमारी गाड़ी है। तुम्हारी है? हाँ जी। आपकी शक्ल देख रहे हो, हमारे पहिए भी उससे महंगे होंगे। शक्ल से महंगे पहिए? यार वो तो होंगे ही, पता है किस लिए? क्योंकि हमारी गाड़ी। पूछो किस लिए? हमें नहीं पूछना, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है लेने की। और दूसरी बात, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, इसलिए ये सस्ती हैसियत और औकात दिखाने की ना जरूरत नहीं है। दफा हो लो यहाँ से। अभी रुक, तेरे को मैं बताती हूँ, अभी मैं अभी फोन करती हूँ अपने बॉस को। करना फिर मैं बताती हूँ किसकी गाड़ी। हाँ हाँ कर, मैं भी देख लूँ जरा कौन सा बॉस है। कर ही रही हूँ। अरे करना फिर, एक तो दूसरे की गाड़ियों पे खड़े होके ना फालतू की वो दिखानी है, और ऊपर से फोन कर, ये कर वो कर। अभी पता चल जाएगा किस कौन फालतू में बोल रहा है। अरे हाँ हाँ, क्या पता चल जाएगा, वो आपको सबको सब कुछ पता। सस्ते सस्ते स्टार रही है काम के टाइम पे। रुको, मैं लड़कियां देखी ना यहाँ पे आ गए मुंह उठा। अरे वाह, अब हम तुम्ही को देखेंगे, है ना, सुंदर लड़कियां। बल्कि तुम ये देखो कि महंगी महंगी गाड़ियां देखी नहीं वहाँ पे, बस आके खड़े हो गए कहीं क्लिक करनी है पिक्चर, और ऊपर से बोलने की भी तमीज नहीं। ये हमारी ही गाड़ी है, आप वो तो बोलो, बोलने वाले नहीं उठा रहे ना। नहीं तुम भी मैडम ट्राई कर लो, नहीं दिल में रह जाएगा कि मैंने अपने मालिक को फोन नहीं कर पाया। फोन क्यों उठा रहे हैं सर? उठाएंगे भी नहीं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये पूरा का पूरा फार्म हाउस और ये पूरी की पूरी गाड़ियां, यानी कि दोनों गाड़ियां मेरी हैं, और इसका ऑनर मैं खुद हूं, ठीक है। क्या हुआ? ये गाड़ी आपकी है? क्यों, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा? अभी भी तुम्हें कुछ सर्टिफिकेट दिखाऊं? सॉरी, ये हमारे बॉस है जो स्ट्राइक को आपके पास वर्क करते होंगे, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम आए थे। हमें नहीं पता था, तो हमें नहीं पता था कि आप ही इनके ऑनर। और मनोज ने तुमको बोला है ना, वही यहाँ का मैनेजर मैंने रख रखा है, उसे भी जॉब से निकालूंगा। और एक बात बोलूँ ना, आइंदा ना कभी ऐसे किसी को बोलने की जरूरत मत करना, क्योंकि तुम्हारी ना औकात भी नहीं है ये बोलने की। और आज के बाद ना निकला यहाँ से फटाफट, रील्स वील्स बनाने मत आ जाना यहाँ पे।